हेलो एवरीवन, आज मैं आपको प्रॉपर तरीके से आलू का स्टार्च कैसे बनाते हैं वो बता रही हूँ, क्योंकि मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा कि आलू का स्टार्च मैडम कैसे बनाया जाता है, तो मैं कमेंट में इतना बता नहीं सकती। और प्रॉब्लम ये हुआ था कि आलू का स्टार्च दो वीडियो में डिवाइड हो गया था, क्योंकि मुझे अभी वीडियो अच्छे से कटिंग करने नहीं आती है, तो कभी यहाँ से कट हो जाता है, कभी वहाँ से कट हो जाता है। तो वेरी सॉरी गाइज, क्योंकि मैं न्यू हूँ तो मेरा जो भी नॉलेज है मैं शेयर करना चाहती हूँ अच्छे से, पर प्रॉब्लम यह होता है कि वीडियो यहाँ वहाँ से अगर कट हो गई तो मैं अच्छे से शेयर नहीं कर पाती हूँ। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिए। वैसे लो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो आलू लेंगे, आलू को अच्छे से धो लेंगे, मैंने धो लिया है, और अब इन्हें अच्छे से छील कर इनका जूस निकालेंगे। छील कर इसको मैं खींचूँगी। मैंने आलूओं को अच्छे से छील लिया है, मैं खींचने की मदद से इन्हें अच्छे से खींच लूँगी। अब मैंने इसे अच्छे से खींच लिया है, अब हम इसे छानेंगे। हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। ये लगभग दो मीडियम आलू का जूस है, इसे मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है, छान लिया है। अभी हम 10 से 15 मिनट इसे ऐसे ही साइड में रख देंगे। अब इसका पानी है ये हम निकाल देंगे ऊपर से, इससे आप चेहरा धो लें, बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। ये पानी फेंके नहीं। अब ये नीचे है जो वो स्टार्च है, अब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में फैलाएंगे। इस स्टार्च का बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है हमें, क्योंकि पोटैटो में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, विटामिन सी भी होता है, और ये चेहरे को गोरा बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। ये पूरा स्टार्च मैं निकालूंगी और फिर इसे इस तरह फैलाऊंगी। ये बहुत ही जल्दी सूखता है। अब इसमें कुछ ड्रॉप्स ऊपर से लेमन के डालूंगी, क्योंकि ये नहीं तो काला हो जाएगा, लेमन डालने से ये काला नहीं होगा। थोड़ा सा डालना है। ये मेरे पास देखिए, ये मेरे पास पहले का भी पड़ा है, अब तक अच्छा पड़ा है बिल्कुल, इसे मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा था। अब लेमन डालने के बाद ये लेमन पूरे स्टार्च पे लग जाए, इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। और अब हम क्या करेंगे, एक बिल्कुल पतला कपड़ा लेंगे, जिसमें पास ये दुपट्टा है, इसे ऐसे ढक दूंगी, और अगर कड़क धूप है तो आधे घंटे में ही सूख जाएगा, अगर धूप थोड़ी कम है तो 2-3 घंटे रखें, या तो फिर रात भर पंखे के नीचे भी रखेंगे तो भी चलेगा। देखिए ये देखिए, 15 से 20 मिनट ही सिर्फ इसे मैंने धूप में रखा तो ये इतना सूख गया है, पर इसमें अभी भी मॉइस्चर बाकी है, तो हमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि अगर स्टोर करके रखना है तो मॉइस्चर नहीं चाहिए। अगर हमें अभी की अभी क्रीम बनानी है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, फिर उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा और 15-20 मिनट के लिए कड़क धूप में ढक के रख दूँगी पतले कपड़े से। अब देखिए ये दो मीडियम आलू थे, उसमें से लगभग इतना स्टार्च बना है, इसमें से हम आराम से एक सीरम और एक क्रीम बना सकते हैं, जो मैं बहुत ही आसान इंग्रीडियंट, लास्ट टाइम जो मैंने बनाए थे वो थोड़े इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा थे, अब मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जो हर स्किन टाइप को सूट करेगा, क्योंकि अभी समर है तो समर में ड्राई स्किन वालों को भी बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती है, तो मैं अब जो दोनों दिखाऊंगी सीरम और क्रीम वो हर स्किन टाइप को सूट करेगा, क्योंकि मैं अभी आलू का स्टार्च बना ही चुकी हूँ, तो मैं बहुत ही जल्दी अब ये दोनों शेयर करूंगी।
और मैं इसे फिलहाल में इस डिब्बे में भर के रख रही हूँ। इसे फ्रिज में स्टोर करें। मैंने इसे इसे डिब्बे में भर लिया है, अब ये बिल्कुल रेडी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।